बहुत ही सेंसिटिव इशू के उत्ते कि अज जिहड़े मजाकीए लोग ने जिहड़े कमेटी करदे करदे पंजाब दे मुख्यमंत्री बन गए ने उन्हां दी गैर संजीदगी दी उन्हां दी असभ्यक भाषा दी ते उन्हां वल्लों सिक्खी दे उत्ते ते सिक्खी दे सरूप दे उत्ते जो हमले किए जा रहे हैं उहदे बारे मैं बड़े दुख दे नाल गल शुरू करन लगा। तुसीं सारे ही इस गल तो जाणू जे कि जिहड़ी पंजाब दी विधान सभा है उन्हों सच दा मंदिर पवित्र मंदिर कहा जाता है, पर जिस तरीके की खेड साढ़े मुख्यमंत्री साहब ने उत्थे बना के रखती है दुख भी हुंदा है पीड़ा भी हुंदी है ते अपने आप नूं एक पंजाबी होण दे नाते भी ते एक उस हाउस दे मैंबर रहन करके भी मैनू शर्म आउंदी है कि अज उस पवित्र सदन दे अंदर केवल ते केवल मजाक कटाक्ष तंज गंदी ते झूठी राजनीति दा जिहड़ा आ अखाड़ा बन के रह गया। और जिहड़ा कल हमला भगवंत मान होरां ने सिख दे दाड़े दे उत्ते कीता है ते मेरा ख्याल जिन्ने आपां इत्थे बैठे हाँ जां जिहड़े सिक्खी नूं समझदे हैं उहनां सारयां नूं पता है कि इस दाड़े दी कीमत की है, ये दाड़ा सिक्खी विच महत्ता की रखदा है, इस दाड़े वास्ते सिक्खां ने कुरबानियां किन्नियां दित्तियां ने। जो उस पासे जाऊँ तो बहुत लंबी गल होजू, पर सिक्खी केसां सुवासां नाल निभाउण दी गल सानूं शहीद भाई तारू सिंह पूला तो मिलदी। और नाल ही जिस तरीके दे नाल भगवंत मान ने सरदार सुखबीर सिंह बादल दा नाम लै तो बिना ही उन्हां दे दाड़े दे उत्ते दाड़े नूं प्रकाश करन दे उत्ते तंज कीता कटाक्ष कीता मजाक उड़ाया वो बहुत ही गलत ते निंदाजनक है। और दूसरी गल जिहड़ी उन्होंने कहा कि असीं वोटां दी खातर कदी आपदे चेहरे नहीं बदलते, जो पहलों सी उही हुंदे आ। तो मैं एक दस दवां कि सरदार सुखबीर सिंह बादल अमृतधारी सिख है और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है, भावें वह पहलों भी साबित सूरत सी, पर सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां दे देहांत तो बाद समुची पार्टी ने भी उन्होंने समय समय से कहिंदे सी कि तुसीं दाड़ा प्रकाश करो और उन्होंने सारयां दे हुक्म नूं मनदिया होया दाड़ा प्रकाश किया। उहदी शलाघा करन दी थां ते भगवंत मान जी ने सरदार सुखबीर सिंह बादल ते नहीं एक सिख दे दाड़े ते नहीं सिक्खी सरूप ते जिहड़ा आ बहुत वड्डा हमला किया है, ये सिख दे दाड़े दा निरादर है बेअदबी है। मैं मंग करदा है कि भगवंत मान नूं तुरत जिहड़ी है इस गुनाह की माफ़ी मंगनी चाहिए। और नाल ही मैं जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं अपील करदा है कि जथेदार साहब जिहड़ियां जथेदारियां होंदियां ने खेडां नहीं, ये जथेदारी कायम रखने वास्ते जे कोई गलत करता है सिक्खी ते हमला करता है सिक्खी परंपरावां ते हमला करता है फिर जथेदार दा फर्ज बनता है अगवाई करना और उहदे वास्ते फैसला लेना उहदे वास्ते कदम पुटना। अज तुहाडा फर्ज बनता जथेदार साहब कि पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं इस कीते होए गुनाह दी सिक्खी परंपरावां दे मुताबक सज़ा दिओ। ये गल होगी सरदार भगवंत सिंह मान वल्लों सिख दे दाड़े दे उत्ते उठाए सवाल ते उहनूं वोटां नाल जोड़न दी गल जी।
ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਣ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬੜੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਪੀਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੂੰ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੇ ਔਰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਨਕੋ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਪੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਜੋ ਖਰਾਬ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹ ਛੋੜ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਆਪ ਇਨਕੋ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੋ ਯੇ ਵੀ ਕਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਯੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਛੋੜੂੰਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੇ ਹਟਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕਰਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤੂਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਿਹ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ
शराब बारे नहीं, शराबड़ बारे शब्द वरतदे है जिहड़े कहिंदे कि साडे च नुक्स कोई नहीं। तो आ नुक्स सुन लिया जे भगवंत मान जी, ताडा ही साथी पहला जिहड़ा ताडा प्रधान रहा वो ताडा जलूस कढ गया कि तुसीं शराब पींदे जे, तो फिर उस तों बाद जिहड़ा ताडे नाल बहिंदा सी ताडा मैंबर पार्लीमेंट सी सरदार हरिंदर सिंह खालसा, उन्होंने जो किया वो इस वीडियो दे विच आ जाऊ, तो इहदे विच होर भी कई कुछ हैगा। ये देखिए किस तरह से भीड़ ने भगवंत मान को बेइज्जत करके भगाया। खाना खाते वक्त किस कदर नशे में चूर है कि हाथ से खा तक नहीं पा रहे हैं, सीधा प्लेट में जानवरों की तरह ही खाना खाने लगे हैं भगवंत मान। आगे वाहिगुरु करीदा, अगे बुढ़ा एडी जोर दी डांट मारदी है, बर्स्ट मारदा जी मुश्क दा, तो कुदरती गल है जी, दिल तां शराब कोई पीवे जी कल उल्टियां मैं करदा फिर किन्ने, इन्नी तां नहीं सुन भाईबंदी नभा सकदे मन्निया, असीं आम आदमी हैं पर इन्ने एक आदमी तां नहीं जी, एक आम आदमी दारू पी के आ जांदा ते दूजा आम आदमी उल्टियां करे बदनामी मैं कट्टा, पाप कोई करे, आई डोंट वांट टू, आई डोंट फॉर समबडी एल्स सिंस आई एम नॉट, इस करके नाले मैं तां जी। ये तुसा देखे होना कि बहबल कलां भी शहीदां दे समागम ते शराब पी के चला गया, ते विच जोगा सिंह निहंग जिहड़ा आ उन्हें जिहड़ा आया कि जिहड़ा गुरु की हजूर च शराब पी के चला गया सी ते उन्हें इतराज किया सी, इहदे विच ही है। ते बाहर कितें विदेश दे विच उत्थे जंग लगी सीगी ते उन्हां दे नाल मिस हैपनिंग होई, उन्हां नूं लै के इन्हें प्रैस कॉन्फ्रेंस की, वो जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस की तो जिहड़े हालातों च उत्थे गए प्रैस क्लब चंडीगढ़ दे विच, उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच जो इन्हें जलूस आपदा कढ़िया वो तुहानू दिखा दिंदे आ। चलो हुण इत्थों तक ये भी तुहानू दिखा दिंदे आ कि फेसबुक पे पोस्ट के उत्ते जोगिंदर यादव जिहड़े हाई कमांड का हिस्सा रहे ने आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी अपनी फेसबुक पर पाया कि भगवंत मान होरी आम करके शराब पी के आम आदमी पार्टी मीटिंगां विच आ जांदे ने, आ वो पोस्ट है जिहड़ी जोगिंदर यादव होरां दी है, तुसी आप दस दिओ हुण कोई कसर रह गई पिछे। एक जिहड़ा लिंक है अगे जिहड़ा देखो, ये कहिंदे साडे च नुक्स कढ के देखो, श्री अकाल तख्त साहिब दा हुक्मनामा है कि कोई भी सिख जे उहदे घर च शादी है आनंद कारज होने ने ते गुरु महाराज दा सरूप गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा सरूप आपदे घरे नहीं मंगा सकदा, गुरुद्वारे जाके आनंद कारज करने पैणगे। ते भगवंत मान होरां ने मुख मंत्री होण करके हंकार दे विच हुक्मनामे दी उलंघना करदिआं होइआं गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा सरूप आपदे आनंद कारजां दे जिहड़ी दूसरा विआह करवाया है वो आपदे घरे मंगवाया, फिर उस तो वड्डी गल जिहड़ी उत्थे बेअदबी हुई गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी,
जो निरादर होया कि मुख्यमंत्री निवास के गेट के उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की तलाशी इस तरीके नाल की गई, बेहुरमती नाल की गई कि जिवें कोई मुख्यमंत्री नूं दरखास्त देने वास्ते आया होवे। चार्ज फिर लाई डिटेक्टिव ला ला के हाँ जी वो जिहड़ा आ तलाशी लई गई उस पालकी साहब की भी, तो अंदरों गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की भी। ये बेअदबी नहीं, ये मुख्यमंत्री साहब तुसां करवाई है, इस गुनाह तो तुसीं भज नहीं सकते। और मैं इस तों अगे आना चाहना आ PTC ते, मैं कोई PTC की तरफदारी करने वास्ते नहीं बैठा, तो ना मेरा कोई लागा देगा तो ना मैनू कोई ये हिस्सा ही मिलता, पर मैं PTC की जो सेवावां ने खालसा पंथ वास्ते, सिख धर्म वास्ते, सिखी दे प्रचार ते प्रसार वास्ते, और बिना किसी पैसे लै तो उहदी एक बतौर सिख मैं शलाघा जरूर करूँगा। ये वक्री गल है कि 21 जुलाई तक उन्हां कोले अधिकार ने, और जिथों तक मेरे कोले जानकारी है कि नित दिहाड़े सीढ़ी स्यापा पैन करके, नित दिहाड़े सवाल उठाए जाते करके, झूठिया गल्लां बना बना के, जिस तरह पहलों अकाली दल के विरुद्ध प्रचार किया गया सीगा ते PTC के नाँ ते किया जाता सी ते किया जा रहा है, उन्हों मद्देनज़र रखते हुए पहले ही जो मेरे को जानकारी है कि PTC अदारा जिहड़ा आ वो अपनी सेवावां तो मुक्त होने जा रहा है, वो 21 तरीक नूं पता लग जूगा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इस संबंधी की कदम चुकती है। पर मैनू मैं दसना चाहना है कि तुसी जिन्ने इत्थे बैठे से खास करके जिहड़े वड्डे चैनल है इन्हां नूं सारिआं नूं इश्तिहार मिलदे, प्राइवेट भी मिलते हैं और नाल सरकार वालों भी मिलते हैं, जिहड़ी कि बहुत वड्डी जिहड़ी है एक व्यापार है, एक कमर्शियल जिहड़ी आ वो बेनीफिट हुंदा है। पर PTC ने एक पैसा लै बिना जिस तरीके दे नाल गुरबाणी का सिमरन, गुरबाणी का कीर्तन प्रसारण किया, PTC सिमरन ते 11 घंटे रोज़ाना, 18 घंटे रोज़ाना बिना इश्तिहार तो, 18 घंटे रोज़ाना PTC सिमरन ते कीर्तन चलता आ, कोई ऐड नहीं, कोई इश्तिहार नहीं। PTC पंजाबी ते रोज़ाना 8 घंटे, 24 घंटिया चों 8 घंटे मतलब तीजा हिस्सा, 8 घंटे गुरबाणी का कीर्तन प्रसारण होंदा ते कोई ऐड नहीं। PTC न्यूज़ ते रोज़ाना 5 घंटे जिहड़ा आ वो गुरबाणी का कीर्तन प्रसारण होंदा, कोई ऐड नहीं। SGPC ते जिन्ने वड्डे समागम होंदे है वो PTC जिहड़ा लाइव करदा है बिना किसी तरह का कोई पैसा लै तो, आ पंजाब दे किसी चैनल नूं कह दिओ पहलों कहिंदा सौदा दस दिंदा की है फिर आऊँगा। PTC सिर्फ सरदार सुखबीर सिंह बादल ने ये समझ के रब ने मैनू दिता आ तो मैं धर्म की सेवा करनी है, वो धर्म की सेवा मुख रख के ये सारा कुछ कर रहा। तुम देखो 18 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, तो हूँ हिसाब लो कि 31 घंटे जिस अदारे दे चैनल जिहड़े ने हाँ जी रोज़ाना कीर्तन प्रसारण करते हूँ बिना ऐड तो, चाहे मेरा ख्याल चैनल बैठे आ, मैं राती की सी एक चैनल के उत्ते भी गल डिबेट दे विच भी, मैं उस चैनल के एंकर नूं मेरा मित्र है, मैं उन्हें पूछा, मैं आख्या मित्र जी मैंने दस्या जे तुहाडे चैनल नूं सरकारी ऐड आउंदी है, पहले चुप, फिर मैं क्या आउंदी है कि नहीं आउंदी, कहिंदा हाँ जी आउंदी है, किन्नी आउंदी वो नहीं मैनूं पता, वो कमर्शियल वाले नूं पता, मैं एडिटोरियल दा, मैं ठीक है। हुण मैं दस दवां कि एक एक मिनट दे अब्बल ते लखां नहीं तो हज़ारां रुपये ऐड दे लै जांदे वड्डे चैनलों वालों, तो PTC कोई छोटा चैनल नहीं गा, हाँ जी, तो तुसीं दस दिओ जिहड़ा 31 घंटे देंदा होवे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त दे विच, वो भी गुरबाणी का
तो सिक्खी का प्रचार करने वास्ते तो तुम कह दो कि वह मुनाफा करता फिरद उन्होंने मुनाफिया की घाट नहीं की। महाराज ने बहुत कुछ दिता है, मैं कोई बादलों का भी मदई नहीं। हाँ मेरा श्रोमणी अकाली दल का प्रधान जिथे गलत हो ठोक के कहूँ जुरत ना कहूँ, पर जिथे सच्चा है उत्थे डट के खड़ूंगा भी। एक गल नूं कोई चिठा दे मेरी नूं, और सिर्फ एक कतीड़ा जिहा भेड़ा जिहा लग पैंदियां ले आ गया जी बादलों का फलाना, आ गया जी बादलों का फलाना। इसे फलाने ने तुहाडियां चीकां कढ़ाईआं हुई कल्ले ने होर एक दो जने अकाली दल च। हाँ जी मेरी गल दे विच किते भी रंचक मात्र भी झूठ होवे तो जिथे मर्जी आ जाओ जिथे मर्जी। हुण हरेक चैनल जिहड़ा आपदी मशहूरी चलाउंदा आ तो एक एक मिनट की कीमत लैंदा है। अगे आ जाओ, मैं रात यह भी सवाल किया जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं उस एंकर नूं वीर नूं पुछिया कि तुहाडे चैनल नूं ऐड आउंदी सरकारी, कहिंदा जी जिस तरह तुहानूं दस्सिया भी अखीर मन गया जी हाँ जी आउंदी है। मैं क्या PTC नूं आउंदी है, मैनूं पता ही चुप रहना है। मैं क्या PTC नूं नहीं आउंदी, भगवंत मान नहीं देंदा जो कि साड़ा है, जलन है, विरोध है। होर किसी का चैनल होंदा फिर कोई इतराज नहीं सी क्योंकि सा सुखबीर सिंह बादल का चैनल है, इस करके जिहड़ा PTC नूं कोई ऐड नहीं देनी। तो तुहानूं पता ऐड सरकारी पैसा हर चैनल चाहुंदा तो हर चैनल लैंदा, तो गोडियां भार हो के भी लैंदे आ। ये गल का गुस्सा ना कर जाए जी गोडियां भार वाली, तो पंजाब के मीडिया चो बहुता मीडिया जिहड़ा इस वेले आ वो गोडियां भार होया बैठा सिर्फ पैसा लैण की खातर ऐड लैण की खातर। तो यह भी दसदा कि 5 साल कैप्टन अमरिंदर सोने नहीं दिता, 5 साल कैप्टन अमरिंदर सोने नहीं दी ऐड जी है सरकारी पैसे की PTC नूं, तो 1.5 साल हो गया इन्होंने दी। तो 2012 तो लैके 2017 जदों तो यह कीर्तन प्रसारण शुरू होया, जां इह कह लईए कि जदों तो PTC शुरू होया, सरदार सुखबीर सिंह बादल ने अकाली सरकार हुंदियां होया एंड तक एक पैसे की ऐड जी है वो PTC नूं नहीं दिती। उस मनुख ने इस करके नहीं दिती कि कल नूं कोई यह सवाल ना उठाए कि सुखबीर सिंह बादल ने मुनाफा लैण की खातर निजी मफाद की खातर आपके PTC चैनल नूं पैसा दे दिता। हुण जिहड़ी गल एक भगवंत मान होरी कहिंदे है कि हरेक चैनल ते चलनी चाहीदी है जी, फ्री एयर होना चाहीदा जी। हाँ जी ये मुफ्त च मिलनी चाहिए, मुफ्त च तो पहले मिलती है ना, किसी सिख नूं शिकायत है। दुनिया भर च बैठे किसी सिख ने किसी अदारे नूं किसी SGPC नूं किसी सिख संस्था नूं जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं किसी तरह की कोई शिकायत की होवे इस मुतलक कि मैनूं गुरबाणी नहीं मिलती, तो विरसा सिंह बलटोहा नूं आ के पुछ मतलब उहदी जवाबदेही कर लिया। जदों शिकायत ही किसी सिख नूं दुनिया भर दे विच जिहड़ा कीर्तन प्रसारण है वो हरेक सिख को एक तरह मुफ्त जा रहा मुफ्त। हाँ देश तुसी लेंदे जे, पंजाब च भी लेंदे जे, हिंदुस्तान च भी लेंदे जे, विदेशों च भी लेंदे जे, उत्थे तुहानूं डिश लैनी पैंदी है, तो डिश डिश दे विच पैकेज हुंदा है, तो पैकेज दे विच ही सारे चैनल आउंदे है। पर जिथों तक गुरबाणी कीर्तन की गल है वो PTC दे उत्ते मुफ्त मिलता है। और ये गल करदे सीगे कि प्रचार ते प्रसार जिहड़ा हरेक चैनल ते होना चाहिए जी, सिक्खी च वाधा हो क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी हरेक तक पहुँचनी चाहिए है, सिक्खी मजबूत हो। इहदा मतलब भगवंत मान कीर्तन नहीं सुनता, मतलब इहदा मतलब कीर्तन दे नेड़े नहीं जाता, सर टब्बर नहीं जाता जापदे, क्योंकि तुसी कहिंदे जे कि दूसरे सुन लैण उह तां सुणदे आ, जे तुहाडे ते असर नहीं तुसी सिक्खी दे नेड़े तेड़े नहीं इहदा मतलब तुसी कीर्तन नहीं सुनदे ते तुसी झूठ बोलदे जे, तुसी गंदी राजनीति करना चाहुंदे जे। और जिहड़ा ये कहा जांदा कि हरेक चैनल ते मैं भगवंत मान नूं ते उहदी जिहड़े प्रोड़ता करन वाले ते करन वाले लोग ने मैं उन्हां नूं दसना चाहुंदा कोई IPL मैच नहीं गा कि IPL मैच है सारे चैनलों ते चलू, ये गुरबाणी है अनमोल ज़्यादा आ। उस मर्यादा नूं भावें PTC चैनल ते तुसी 100 सवाल खड़े करी जाओ, 11 साल तो PTC चैनल ने
जिन्ना भी गुरबाणी का कीर्तन प्रसारण किया आ वो पवित्रता बहाल रख के मर्यादा विच रह के निर्विवाद ते निर्विघन किया आ। इस तो पहले भी चैनल आए सी जिन्होंने श्री दरबार साहब तो कीर्तन प्रसारण की शुरुआत की सी पर मर्यादा नहीं रख सके, पवित्रता नहीं रख सके, निर्विघ्नता नहीं रख सके, निर्विवाद नहीं रख सके, तो होना भी किसी तो नहीं। ये मैं दसदा हाँ IGPC डंडा चक लवे तो वह जी पवित्रता बहाल रख लवे वो गल वक्री है। मैं एक तुसी सारे अमृतसर के वसनीक जे हैरीटेज स्ट्रीट विरासत मार्ग कभी सोच सकते हो इस तरह तो बन सकता बोलो नहीं ना नहीं कभी सोचा नहीं ना जा सकता यह बन सकता। सत सुखबीर सिंह बादल ने प्यार नाल ते डंडे नाल जिहड़े वेर दे सी उन्हां नूं कहता हाथ भी जोड़े पर जदों वेर नूं नहीं हटे डराउण की कोशिश की सत सुखबीर सिंह बादल ने कहा बंदे दे पुत बन जाओ। ये गुरु रामदास का दरबार है सारिआं दा सांझा आ जे तो बन दोगे तो वाह बना नहीं तो फिर मैं डंडे ना बनाऊं तो बनाया। दुनिया आशिश करती है विदेशी वो सलौत करते हैं तो वो उत्ते जिहड़ियां जान आने वाली संगत सगिया भी वह गुरु घर के नाल जुड़िया रहन कीर्तन के नाल जुड़िया रहन तो विरासत मार्ग से जो कीर्तन दियां वड्डियां वड्डियां स्क्रीन लाइया सगिया भगवंत मान जी उत्थे कीर्तन चलता तुसीं जान के कीर्तन ही बंद करता सिर स्क्रीनों के उत्ते ताड़ी एडवरटाइजमेंट चलती है जां टूरिज्म की चलती है जां वख-वख स्टेटां दे टूरिज्म की चलती है तो जां जिहड़ी आम इश्तिहारबाजी चलती है तो तुसीं तो उन्हां स्क्रीनों के उत्ते पैसा कमाना शुरू कर दिता उत्थे एडवरटाइजमेंट शुरू करती जी जिहदा पुआड़ा है सारा। हाँ जी जिहड़ा एक दिलकश खिच पाउण वाला जिहड़ा नज़ारा सत सुखबीर सिंह बादल ने बन्निया सीगा कि इत्थे संगत जा रही है तो वैगरू वैगरू करती जा रही है तो अखां दे सामने कीर्तन रे हो रहा है बड़िया बड़िया स्क्रीनों के कन्ना च गुरबाणी की आवाज़ पै रही है पर तुसा तो वो बंद करता तो बाकी चलाने दी गल्लां तुसी किस दावे ना करदे। एक देखो बड़े दुख की गल है कि पतत सिख नूं IGPC च वोट पाउण दा तो अधिकार नहीं पर पतत सिख कहिंदा कि मैं सिखी चलाऊं मैं सिखी बारे फैसले लूं ये कोई दस दो कोई मुनासिब हैगा। फिर कहिंदा नहीं जी ये तो हुण स्टेट का हक बनता जी सुप्रीम कोर्ट ने उह कहता सुप्रीम कोर्ट ने आह कहता सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पढ़ ली चंगी तरह पढ़ ली जिन्हें तेनों किया मिसगाइड किया आ ते दूजी गल कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अज भी 185 मैंबर का हाउस है जिस 157 पंजाब के ने 11 हरियाणे के ने एक चंडीगढ़ तो है एक हिमाचल तो है 15 जिहड़े नोमीनेटड होंदे है जिहड़े वख-वख सूबियां चों नामजद किए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान चों जिथे भी सिख आबादी ज़्यादा आ एक एक सिख जिहड़ा उन्हां दे नुमाइंदे दे तौर ते उहदी नामजदगी की जाती है नोमीनेटड किया जाता क्योंकि सारे भारत वर्ष की जिहड़ी है। हाँ जी उहदी जिहड़ी है सिखां दी प्रतिनिधता सिखां दी जिहड़ी है नुमाइंदगी कर सके। साड़ी तो मंग यह कि विदेशों के भी सानू नोमीनेट करन दा अधिकार दिता जाए तो इत्थे भगवंत मान हो रही कई घवाड़ा चुके दुआले हो गए। एक भगवंत मान नहीं भगवंत मान तो मोहर आया ये पिछे लाला जी ने एक तो लाले बड़े लैके बैठे जे पंजाब मैं सारे लाल की गल नहीं करता। हाँ जी एक पहलों भी लाला होया उस ने पुआले पाए पता लाला सुनया कि नहीं वो नहीं सुनया कोई नहीं दस दूँ मैं कल नहीं दस दूँ। उस लाले ने भी सिखी तो बड़े हमले किए थे उस लाले ने भी गुरु गोबिंद सिंह नूं भटकया होया देश भगत कहा सीगा उन्हें भी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के बड़े सवाल उठाए सीगे लाले ने तो हुण नवा लाला आ गया लाला केजरीवाल जी तो केजरीवाल मोहरा बना के भगवंत मान नूं ते पंजाब दे विच फिर अग लाउणी चाहुंदा बड़ा झल्या भगवंत मान साडियां लत्तां नूं पुछ के वेख अज तुरिया नहीं जांदा तो जां उन्हां नूं पुछ के वेख जिन्हां दे घर बर्बाद हो गए तैनूं ते तत्ती वाह नहीं लगी तू ते कमाउंदा ही रहा चुटकले सुना सुना के मुफ्त ची ना तेरी हिंग लगी ना फड़कड़ी तैनूं की पता कि की भाविकदी है
ਬਾਜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਂ ਮਤਲਬ ਲੱਟ ਉਲਾਟ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ? ਆਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ, ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਆ ਗੋਲੇਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਗ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ CCTV ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ? ਆਹ ਦੋ ਚਾਰ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਕਿ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲ, ਸਨੈਚਿੰਗ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਮਾਣਕੇ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਆ ਕਟਾਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੱਕਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, PDF ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਆ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਤਲਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਅ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਜੇਬਾਂ ਹੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ,
एक कदम पुटिया गया है सिखां दे धार्मिक मामलों में दखल देने का सरकार का, जिदे बारे जिन्हों कोई अधिकार नहीं। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट के सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को मानता दी है, एक्ट रद्द नहीं किया। एक्ट उही है, एक्ट के एडिशन डिलीशन सोध तरमीम जी है वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का इजलास वो पास करन तो बाद केंद्र का जिहड़ा साडा पार्लीमेंट हाउस है दोवें वो पास करेंगे तद होगा। ये तो असल च इन्होंने खेड़ बना के रख दी पंजाब की विधानसभा। मेरा कल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी मैं ही लाऊंगा जी, डी जी पी भी मैं ही लाऊंगा जी। हाँ जी, ये तो कल को जथेदार श्री अकाल तख्त साहब मैं ही लाऊंगा जी। देखो ये बदकिस्मती, गवर्नर तो मुख्यमंत्रियों को छोटे मोटे इतराज आम करके होंगे सरकारों, पर कभी प्रतख नहीं होने दते तो ना कभी अजि दूरी पैदा होने देते हैं। मुख्यमंत्री जोड़े ने वो अजिहा तालमेल बना के ही रखते हैं कि एक जड़ा आ आपस में तालमेल बनया रहे। गवर्नर की एक अपना स्थान, उन्हों का संविधान कहता है, तो जोड़ा स्टेट हैड का अहदा आ वो जरा अपनी थान पर है। पर तुम कह दो कि मेरे करके सारा कुछ भगवंत मान उन्होंने गल कहता कि मेरा हवाई जहाज दिन तेरे प्यो ने लग दिता हूँ। हाँ जी, क्या ना मेरा हवाई जहाज जो मास्टर महिंद्र सिंह ने लग दिता हूँ। हाँ जी, तो चलो सत्कार योग है बड़े ने साढ़े भी सा महिंद्र सिंह होरी मास्टर होरी। हाँ जी, पर देखो पहले तो गल मैं तुम दस देव कि कल उन्हें कहा जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने कहा कि चैनल शुरू किया जाए, तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जितों तक मेरे को जानकारी उन्होंने तीन मीटिंगा की सब कमेटी दी इस पासे लगे हुए थे। जो उन्होंने श्रोमणी कमेटी ने दावा किया तो मैंने भी इस गल का अंदरूनी तौर पर माड़ा मोटा पता सगा इस पासे कदम पुटे जा रहे हैं। उत्थे तो भगवंत मान ने कहता कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने आ हुक्म किया। हाँ जी, ये हुक्म नहीं मनते जी, जबकि वो इंप्लीमेंटेशन वास्ते कदम पुटे जा रहे हैं। ये कोई खेड़ तो है नहीं गी कि जथेदार साहब ने हुक्म कह करता तो उस जाके चैनल शुरू हो जाओ। चैनल का प्रबंध करना, चैनल का सैटअप करना, चैनल किवें चलाना है वह गांह सारा कुछ ही है, क्योंकि सारी जिम्मेवारी बड़ी वड्डी है पवित्रता दे नाल मर्यादा दे नाल चलाउण वास्ते, निर्विघन ते निर्वाद चलाउण वास्ते। पर जिहड़ा जथेदार साहब होरां ने सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह होरां ने हुक्म किया है उहदा जिक्र ही नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अजिहा ना करे। भगवंत मान होरां नूं मैं कहिंदा है कि काली ना करो, ये मिल बैठ के करो, वो हुक्म नहीं। ये हुक्म हकम कितों मनदे जी, ये बने तो मुख्यमंत्री है, डेढ़ साल लंघ गया है, साढ़े तीन रह गए हैं, गांह पता नहीं किहदे कर्मां जिहा। पर यह कहिंदे मुख्यमंत्री नहीं, हम तो खुदा है। वो यार पहलों इसे ना ही निबड़ लो, उन्होंने कहा आ चक के आ तेनों दसांगे कितना ले हुंदा। वो एक ऐप है, वो सारे चैनलों ने आपो अपनी बनाई हुई है, लगभग मेरा ख्याल कोई चैनल हो जिदी ना हो। भी यह है कि अज वो रेट हैगा, मेरे को लिखा है बकायदा उस ऐप का रेट अज चलता 50 रुपये, 50 रुपये ऐप का रेट है। वो एंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम ने, बड़िया फिल्मों ने, होर बहुत कुछ है उस ऐप के। जे तुसी कल्ला उस ऐप नू डाउनलोड करके कीर्तन सुनना चाहते जी, उहदे ते कोई खर्चा नहीं, कीर्तन वास्ते कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, जे तुसी एंटरटेनमेंट वाले पासे जाना चाहते जी, तो तुहानू सबसक्राइब करना पवेगा, फिर तुहानू जिहड़ी पेमेंट करनी पवेगी। वो ऐप ये है। हाँ जी, 4 साल पहले 99 रुपये सीगे, इस वेले 50 रुपये। तो 50 रुपये जिहड़ी गुरबाणी का उत्थे प्रसारण है ऐप के उत्ते, वो फ्री है। वो तुसी जे कल्ला जे कीर्तन सुनना चाहते जे, तो तुहानू सबसक्राइब करने की लोड़ नहीं, डाउनलोड कर लो तो कीर्तन सरवण कर लो।
तो जे तुसी कोई एंटरटेनमेंट दे पासे जाना चाहते जे फिर तुहानू जिहड़ी आ उह सबसक्राइब करना पऊगा तो फिर तुहानू पेमेंट करनी पऊगी। ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਖੋ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਵਲਦਾਰ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਏ ਆਈ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੁਦਾਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਆਈ ਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸੀਗਾ ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਣੀ ਜਾਵਾਂ ਝਵਾਲ ਥਾਣੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਬੀਤੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸੇ ਥਾਣੀ ਘਰਿੰਡੇ ਥਾਣੀ ਜਾਂ ਅਟਾਰੀ ਥਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 9-10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਗਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਹੁਣ ਬੁਲਟੇ ਵਰਗਾ ਡਰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਡਰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟਿੱਚ ਬਟਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੇਡ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਛੈ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਵਾਧੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਦਲ ਬਸ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇੰਟਾ 'ਚ ਆ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਹ ਕੁਛ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਲੱਥਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸ਼ਨ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੂ ਚੱਲੂ ਨਾ
क्योंकि IPL का मैच है तो जिथे मर्जी चलूँ, ये गुरबाणी है, महंगी मिलती है, बहुत महंगी है, खेड निघी है जी भगवंत मान बना चाहता। हाँ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आपका कोई प्रबंध करती है, वह अधिकार खेत्र है, वह करे। कोई PTC ने कोई ठेका नहीं लिया, उन्हें 11 साल सेवा करती, फ्री की है। तुम यही यही गल् कराइया ने, कोई करके तो दिखावे। पर भगवंत मान सरकारी दखल का जी कदे किसी कीमत नहीं। तो भगवंत मान जिस पास नूं तुरना चाहता आ आवे दिखांगे। एक मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि लव लैटर जिहड़े विधानसभा दे गवर्नर ने कहा है कि वह मेरा मजाक रहा है, दूजे पास इन्होंने कहा भी मैं जो तक पंजाब के विच रहूंगा मैं पंजाब का हैलीकॉप्टर जिहड़ा वह नहीं वरतूंगा। चलो प्लीज बनाया बयान बड़ा इंपोर्टेंट। गवर्नर ने कहा है कि जो तक मैं पंजाब के रहूँगा मेरा मजाक जो उड़ाया गया उसके बदले मैं पंजाब का हैलीकॉप्टर जो नहीं यूज़ करूँगा, वो तुहानू ही मुबारक होवे CM साहब। ये देखो जिस तरीके की भाषा साढ़े मुख्यमंत्री ने गवर्नर प्रति वरती है वो नहीं वरतनी चाहिए। तो मेरे ख्याल लिहाज तो मुख्यमंत्री साहब किसी का नहीं रखते, तो गवर्नर तो बेचारा मुख्यमंत्री साहब के अगे की चीज़ है। पर जो रोस गवर्नर साहब ने जाहिर किया है और करना भी चाहिए, और जेड़े जिस तरीके चिट्ठियां उन्हां दे पत्र व्यवहार नूं जिहड़ा कि उन्हां दा हक बनता है उन्हूं लव लैटर कहना ते वेले बंदे दा कम कहना ये अपने आप च गवर्नर दा मजाक उड़ाउण वाली गल है, उहदे अहुदे दा निरादर करन वाली गल है। उसे गवर्नर ने तुहानूं सहुं चुकाई है। हाँ जी, ते तुहाडे च समर्था है नहीं कि तुसीं जाके मुख्यमंत्री अपने तौर पर बन के बैजो, जिन्ना चिर गवर्नर सहुं ना चुकावे। ये परंपरा आ, ये रवायत आ, ये संविधानिक साडा सिस्टम है। और नाल जिहड़ा उन्होंने हैलीकॉप्टर बारे गल की जां जहाज बारे गल की है, तो मेरा ख्याल ना तो इन्हां दे हैलीकॉप्टरां ते बैठे ते ना इन्हां दे जहाजां ते बैठे आ। हाँ, उन्हां दा अधिकार बनता है, गवर्नर ने पहलों भी पहलियां सरकारां च वी गवर्नर जिहड़े ने पंजाब सरकार दे हैलीकॉप्टर ते जहाज वरतदे रहे आ। पर हुण ये भगवंत मान होरी कहिंदे कि मास्टर महिंदर सिंह होरां ने लै के दित्ता आ, तो भाई पता नहीं उहनूं।